सबसे पहले तो सो सॉरी, एक दो तीन चार दिन से ब्लॉग नहीं आया। बहुत लोग लिख रहे थे भाई ब्लॉग नहीं डाल रहे, अनसब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, समझ सकते हो इच्छुक के। यार ये मैक्रोस फिटिंग करना मतलब ना बहुत त्रास का काम है। सुबह के 4:15 हो गए अब तक खाए रहा हूँ। सहरी ख़त्म होने के लिए लगभग 1.25 घंटा है और अभी भी मेरे 800 कैलोरीज बचे हैं। 800 कैलोरीज रमज़ान में ना सीरियसली खाने के लिए हो ही नहीं रहे। इतना सोच रहा हूँ कि फील हो जाएगा, सब हो जाएगा, बट मैं तेल का ज़्यादा खा नहीं रहा हूँ। अगर बाहर का भी खा रहा हो तो देख रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा ही रहे, ज़्यादा भी अनहेल्दी ना रहे। और रमज़ान में सीरियसली ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ। शाम में इफ्तार के टाइम में बस 3 केले, 2 खजूर और वे प्रोटीन, फिर वर्कआउट के बाद में प्रोटीन शेक और प्योर कार्ब। उसके बाद में घर आके तब जाके मैंने अपना पहला मील खाया, अभी एक केला। अब सोच रहा हूँ क्या खाऊँ क्योंकि मुझे कार्ब्स ही खाना पड़ेगा ज़्यादा। प्रोटीन का तो मेरा ऑलमोस्ट फुलफिल होने आ गया, कार्ब्स बहुत सारा बचा है तो उसका ही कुछ करना पड़ेगा। तो अभी जाके सहरी लेके आनी पड़ेगी। आई नो अभी सुनने समझने के लिए थोड़ा सा अजीब लगता है कि क्या मैक्रोस वैक्रोस की बात करें, क्या कैलरी वैलरी की बात करें। तो अपना कुछ नहीं गोल है, बस 2 महीना अभी अपने गेनिंग पे है, तो गेनिंग पे मैक्रोज जो है ना उसको फुलफिल करने के रहते हैं और कुछ नहीं। और अपने से वो भी नहीं हो रहा है, यहाँ गेन करने के बदले कट हो रहा हूँ। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, जाते हैं दिखते पहले क्या मिलता है खाने के लिए, क्योंकि घर में अभी खाना तो ख़त्म हो गया जो रात में बना था, सब खा गया मैं। और पास ही में एक नया होटल भी खुला है हमारे यहाँ पे, मुरादाबादी होटल है, मतलब मुरादाबादी टाइप खाना मिलेगा वहाँ पे। और भाई देखने में इतना लजीज, मतलब पुलाव, 3-4 टाइप के सालन और रोटी, तवे पे गरम गरम रुमाली रोटी सेकते रहता है, एक नंबर लगता है देखने में। बट वो नहीं खाऊंगा मैं, कुछ और देखता हूँ। आगे तक जाएंगे देखेंगे क्या क्या मिल रहा है ये टाइम पे, जो भी मिल रहा रहेगा अच्छा जल्दी अपन लेके आ जाएंगे। तो ये है वो होटल जिसकी मैं बात कर रहा था, तो जायका मुरादाबादी होटल। एक नंबर खाना है, कल लेकर गया था मैं सालन और ज़बरदस्त मज़ा आ गया था। अभी देखते और कुछ मिलता है क्या आगे। अभी खाना लेने से पहले भाई पैसे निकाल लेते हैं, पैसे निकालेंगे तो खाना आएगा। अभी खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें खुली है, जैसे कि अजवा खुला है हमारे यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन होटल है। बाजू में फूडिन भी खुला है और उसके सामने हलवा पराठा और खिचड़ा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अजवा, मुझे मन कर गया अचानक से खाने का फ्राइड राइस। यस माय बॉय, वेरी नाइस फ्राइड राइस, जाके फ्राइड राइस लेंगे। फ्राइड राइस है क्या है अभी? ग्रेवी और रोटी है। तो अभी चाइनीज़ अवेलेबल नहीं है, कोई कुछ भी आइटम चाइनीज़ का अवेलेबल नहीं है, सिर्फ खीमा रोटी और ग्रेवी सालन यही सब मिलेगा। तो अपन ने भी खीमा रोटी ले ली। पता है सबसे अनोइंग काम क्या है? कि अपने ही घर में चोरों के साथ घुसना। अभी यहाँ से हाथ डाल के यहाँ से मुझे टाला खोलना पड़ेगा। अभी मैं जाते वक्त चाहता तो बाहर से ताला लगा सकता था, पर भरोसा नहीं, मेरा भाई भी उठता है सहरी लेने जाने के लिए। अगर उठता नीचे मालूम पड़ता बाहर से दरवाज़ा लॉक है, फिर फ़ोन करता था पर किधर है, जल्दी आ, क्या कर दिया, यही होता। अभी मैंने सिर्फ हाफ़ खीमा लिया है, मतलब थोड़ा सा ही है। इसका तेल को पहले मैं कर देता हूँ, बाय बाय। अब अकेला हो तो भाई एक ही खीमे से काम चल जाएगा अपना, वो भी हाफ में, इतना बहुत है मेरे लिए। साथ में 2 तंदूरी रोटी, इतना भी बहुत है मेरे लिए। अभी एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने पास वे प्रोटीन जिंदाबाद, रमज़ान में यही चल रहा है मेरा, वे प्रोटीन पी के मैक्रोस पूरे हो रहे। तभी ज़रा बैठता हूँ सहरी करने के लिए, थोड़ा फिर टहलूँगा, नमाज को जाऊँगा, फिर आके सो जाऊँगा और सीधा सोकर मैं उठूँगा आफ्टरनून में। तो मिलते हैं सीधा आफ्टरनून में। बाहर नहीं जाना ठीक है, ओए फटे ढोल लेके क्या घूम रहे तू?
बना के दो उसको, ढोल बना के दो। अरे बाहर नहीं जाना, बाहर गया तो सोच ले। हाँ बाहर नहीं, ए अगर एक पैर भी बाहर रखा ना, पैर अगर बाहर गया तो मैं चप्पल सीधा उठाऊंगा। चप्पल चप्पल चप्पल। अरे के राजपाल यादव के पानी बुरा था, ऐ कर रहे हवाई हवाई हवा कहाँ से आई हवा? हाँ 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 ट्रेन इधर है, आ जा चलो चलो मारो मारो, किक करो किक 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 करो सर, किक किक करो। या तो पिछले दो चार दिनों से ज़रा हमको तकलीफ़ सी चालू है, तबीयत बहुत ज़्यादा हमारी ख़राब चल रही है। अब पूरी तकलीफ़ जो है दो चीज़ की वजह से, एक तो मेरी सर्दी जो जाने का नाम नहीं ले रही है, पूरा दिन बस नाक सूखी पड़ी रहती है और यहाँ पे ऐसा बोलते ना अजीब सा लगता है, हालांकि एकदम फट से सूख जाता। दूसरा भाई लूज़ मोशन होता तो पूरा डिहाइड्रेट हो जाता शाम तक, और भाई पेट पकड़ के दर्द जो बैठा रहता हमें, खैर उसका भी इलाज है, चालू कर दिया है, आज बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के आया हूँ, अभी इफ्तार के टाइम में सिर्फ एक घंटा बाकी है और हम लोग को इफ्तार लाने जाना है। तेरी शक्ल और अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसी गंदी गंदी शक्ल बना तेरे, उड़ जाती चले। दादा कुछ तेल वेल का लेना नहीं, फ्रूट्स ही लेना है मुझसे। चल सुन, यहाँ से भजिए ले ले, हाँ मेंदू वड़ा ले ले, वो बेसन वाले जो गोल गोल वाले ना वो ले ले, गरम गरम निकाल कर देखिए। हाँ कम ऑयली ठीक है, सब कम ऑयली ले लेना। अभी कांदा भजिया कम ऑयली ठीक है, दकीला ले ले, किलो चालीस हो गया, पचास हो गया, साठ हो गया। तुम 40 वाले ले लो, छोटे वाले पहले है कि नहीं पूछना। अरे देखिए 50 वाले है, हाँ लेना एक दर्जन ले ले। अरे ले भाई ले ले, भी क्या करे, बाजू में रगड़ा है, रगड़ा भी ले ले। ला पकड़ो, नहीं आप मस्त मेलन भी नहीं खाते? नहीं खाता मैं तो मीठा। अरे नहीं नहीं वो ले ले, वो खिचड़ा ले ले। चल इतना सारा क्या करेंगे, खाएंगे थोड़ी। तो आ गई सारी इफ्तारी और ये भी उठ गया। अले उठा दिया, उठ गया दादी, उठ। कितना प्याला माशाल्लाह। ए खुल करो जा, सो रहे नहीं अगर तुम सो अले का कल तो काला तो सबसे पहले तो सो सॉरी, एक दो तीन चार दिन से ब्लॉग नहीं आया, बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा काम था और बहुत लोग लिख रहे थे भाई ब्लॉग नहीं डाल रहे हो, अनसब्सक्राइब, ठीक है समझ सकता हूँ इट्स ओके। और बहुत लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई इनको देखो ये ऐसे वीडियो बना रहे, ये जगह जा रहे, वो जगह जा रहे, आप भी जाओ दोस्तों के साथ जाकर खा कर आओ, ये जगह बताओ वो जगह बताओ। भाई मेरा खुद का मन है जाने का, पर मैं सब जगह नहीं जा सकता, मेरे सारे दोस्त शादीशुदा है, अगर कुछ जो नहीं भी है तो उनका काम ऐसा है कि वो टाइम निकाल ही नहीं पा रहे, सबका ऐसे ही कुछ ना कुछ पंगा है। प्रॉब्लम यह है अभी दो दिन मिलता है किसी को, एक दिन मिलता है छुट्टी का, अब उसमें वो अपनी फैमिली के साथ जाता है तो हम लोग एक दूसरे को टाइम दे नहीं पाते, और हम अगर ज़बरदस्ती लेकर भी चले जाओ तो बिल मेरे पे फटेगा समझ रहे हो, और उनकी वाइफ उन पर गुस्सा आएगी, तो घर में उनके तमाशे नहीं चले तो
क्योंकि ये होता ही होता है। हाँ हाँ जाओ 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 बोलते हैं, बाद में फिर जो राड़े होते हैं घर में वो मेरे को नहीं चाहिए भाई। एग्जाम्पल ले लो, नहीं एग्जाम्पल ले लो नहीं एग्जाम्पल ले दूंगा। अच्छा वैसे शायद से कल प्लान बन सकता है, पता नहीं, मे भी कलीम के साथ में, अगर कलीम आया तो इंशाल्लाह। कहाँ जाऊँ, अरे ऐसे ही कहीं पे मोहम्मद अली रोड या कहीं पे ऐसे जाने की बात चल रही थी। ठीक है, तो मेरा खुद का मन है जाने का, बट जा नहीं पा रहे, सबका अपना अपना रीजन है। ठीक है, 15 रोजे निकल गए भाई, यकीन नहीं हो रहा है मुझे तो, 15 रोजे भी निकल गए अभी तक। क्या 3 जा रहे हैं, फटाफट जा रहे हैं, और वही रूटीन है तो समझ में भी नहीं आ रहा है। पर एक चीज़ अच्छी हो गई कि हम लोग को एटलीस्ट इरेन के लिए स्कूल मिल गया, प्ले ग्रुप के लिए पास ही में, तो हम लोगों का भी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऐसा जाना नहीं पड़ेगा। और बोलते हैं ना छोड़ने के लिए, लेके आने के लिए, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है। अभी नज़दीक के नज़दीक में अगर बोलते हैं ना, जो लास्ट हम लोग गए थे देखने के लिए वो एवरशाइन नगर में था, बट एवरशाइन नगर में भी कैसे मैं उसको स्कूटर पे बिठा के लेके नहीं जा सकता हर जगह, तो मुझे रिक्शा में जाना पड़ेगा। मिड चौकी पूरा घूम कर अगर जाओ तो 3 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर ऐसे हो जाता है हमारे यहाँ से, और जो ट्रैफिक मिलता है वो अलग, स्कूल के लिए लेट होगा वो अलग, और छोड़ के वापस घर आके फिर वापस जाना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। 2 घंटे की तो स्कूल रहती है, तो उधर ही 2 घंटा बैठना पड़ेगा, तो विच इज़ नॉट मैनेजेबल एट ऑल। सर्दी है मेरे को, सॉरी। तो पास ही में हम लोग ने देख लिया है, 1-1.5 किलोमीटर दूरी है, तो मैं चलकर जाके भी लेके आ सकता हूँ, या तो रिक्शा से भी, या तो अब उसमें भी एक ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक ही उन लोग एक ही बंदे को देते हैं। नहीं, दो ऑप्शन कभी तू कभी मैं, ऐसा या फिर मॉम डैड, कजिन, चाचा, दादा दादी, नो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए है, तो वो बहुत ही मुश्किल हो गया अगर कल के इनको कुछ काम आ गया छूटने के टाइम पे, तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। हाँ है सेफ्टी के लिए ही ये बच्चों के, पर मुश्किल भी हो गया। मोस्टली मुझे ही जाकर मुझे ही लाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ऑफिस चालू हो जाएगा एक बार, तो ये भी नहीं जा पाएगी। जून में चालू हो रहा है ना, जून में चालू हो रहा है इसको ऑफिस। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना, एंड सो सॉरी फॉर दी ब्लॉग्स, जितना हो सके उतना डालूंगा, प्लीज ऑन सब्सक्राइब मत करना, एंड सो सॉरी सॉरी सॉरी, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक भी।